वेलकम टू मुनलोम नेचर रिसोर्ट एट ज़ोंगु। तो हम ऑलरेडी ज़ोंगु पहुंच चुके हैं और ज़ोंगु पहुंचने के बाद हमने जो रिसोर्ट लिया है, ये रिसोर्ट हालांकि हमने पहले से ही बुक करके रखा था, तो जो रिसोर्ट हमने लिया है दैट इज़ मुनलोम नेचर्स रिसोर्ट। ये रिसोर्ट लोअर ज़ोंगु में है। सो जस्ट हैव अ रूम टूर फर्स्ट। सो ये जो रूम है, इस रूम का वॉल एंड फ्लोरिंग पूरा वुड का है और ये बेड भी देखिए मेड ऑफ वुड। आई मीन बेड तो वुड का ही होता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा अनइवन है, इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद आया। तो इतना सुंदर एक कॉम्फी बेड, ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रिक केटल भी है, टी एंड कॉफ़ी का भी सारा अरेंजमेंट्स दिया हुआ है। यहाँ पे दो हीटर भी दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे उतना ठंडा है नहीं अभी, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस हीटर। यहाँ पे एक मिरर भी है और दिस इज़ द बाथरूम। बाथरूम काफ़ी बड़ा है बट लाइट थोड़ा मुझे कम लग रहा है, बट मैंने तो लाइट जलाया ही नहीं। या सो दिस इज़ द बाथरूम। ये जगह मुझे बहुत पसंद आया, ये नहाने का जगह। वाओ, पता नहीं कितना नहा पाऊंगी क्योंकि ठंड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, है बट उतना नहीं। और ऑब्वियसली यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। लुक एट द व्यू। जंगल का भी व्यू और सामने पहाड़ियों का भी व्यू। अभी चलते हैं बालकनी पर। नाउ दिस इज़ द कॉमन बालकनी और काफ़ी बड़ा बालकनी है और यहाँ से जैसे कि मैंने बताया रूम से डायरेक्ट इसका व्यू है। काफ़ी सुंदर है ये जगह। सो ज़ोंगु, ज़ोंगु इज़ अ हिडन पैराडाइज इन सिक्किम। एक्चुअली ज़ोंगु इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ सिक्किम विच इज़ वेरी नियर टू मनगन। तो दिस इज़ अ ऑफबीट प्लेस, लोग यहाँ पे उतना आते नहीं हैं। ज़ोंगु इज़ अ प्लेस विच बिलोंग्स टू लेपचाज। सो लेपचा एक ऐसा कम्युनिटी है जो अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं एंड दे बिलीव दैट दे आर द सन ऑफ द नेचर। इसीलिए दे वॉर्शिप द मदर क्रिएटर, द नेचर, द कंचनजंगा। और मतलब किसी भी तरह कोई भी खाना या फिर कोई भी पूजा करने से पहले वो लोग कंचनजंगा को वो चीज़ भेंट करते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और ये जो जगह है दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज़ एन ऑफ बीट लोकेशन इन नॉर्थ सिक्किम, लोग यहाँ पे उतना आते नहीं हैं। और हम आज यहाँ पे जो आए, वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आफ्टर लॉकडाउन आज ही ये रिसोर्ट खुला है। आज ही ज़ोंगु ओपन हुआ है एंड वी आर द फर्स्ट बोर्डर इन मुनलोम नेचर रिसोर्ट। सो वी आर फॉर्चुनेट इनाफ कि हमें इस रिसोर्ट में बुकिंग मिल चुका है और ज़ोंगु आने का भी मौका मिल चुका है, क्योंकि इस रिसोर्ट में अभी तक बुकिंग चालू नहीं हुआ है। अगर आप पर्सनली रिसोर्ट में फ़ोन करके बुकिंग करते हो तो इन लोगों का रिसोर्ट अभी तक बुकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है ड्यू टू दिस पैंडेमिक। बट हमने जिस बुकिंग साइट से बुकिंग किया है वहाँ पे बुकिंग ऑलरेडी हो चुका था। सिर्फ हमें सर्व करने के लिए जो रिसोर्ट सुपरवाइज़र है वो आज गैंगटॉक से यहाँ आए हैं। सो वी आर फॉर्चुनेट एनाफ बट मे बी अनफॉर्चुनेट फॉर देम। और जो जगह से मैं अभी आ रही हूँ नीचे उतर के, वो है इनका कैफ़े। तो ये जो रिसोर्ट है मुनलोम नेचर रिसोर्ट, इसका नाम एकदम जायज़ है क्योंकि ये रिसोर्ट पूरा नेचर में ही है। अगर आप देखेंगे
जहाँ से मैं अभी नीचे उतरी, दैट इज़ द कैफ़े, एंड उसी के ठीक पीछे हमारा कॉटेज है। तो कॉटेज, कैफ़े, और जहाँ जिस रास्ते से मैं नीचे आ रही हूँ, यहाँ से सीधा हम नीचे जाएंगे तो इनका रिसेप्शन एंड किचन एंड डाइनिंग रूम। तो पूरा नेचर में ही ये बनाया गया है। सो दिस प्लेस इज डिलाइटफुल। So this is the reception area. ये पूरा ही रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे एक छोटा सा लाइब्रेरी टाइप का बनाया हुआ है। अगर आप चाहे, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। सो वेलकम ड्रिंक मुझे मिल चुका है। सो दिस इज एक्चुअली द होममेड वाइन। सो द डिस्क्लेमर इज आई डू नॉट प्रोमोट अल्कोहल एंड आई डू नॉट कंज्यूम इट एज वेल। जस्ट टू एक्सपीरियंस द होममेड वाइन आई एम टेकिंग अ सिप ऑफ इट। ये पता है कैसा टेस्ट कर रहा है? रेडबुल हम पीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा है। मैंने भैया से पूछा कि ये किससे बनता है, तो इन्होंने बताया कि जिंजर को फर्मेंट करके इसको बनाया जाता है। तो वाइन अगर ऐसा टेस्ट करेगा, आई एम श्योर सब कोई इसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए एक बार किचन देखते हैं। आइए, यहाँ आग जल रहा है। हाँ तो भैया क्या खाना बना रहे हैं रात में हमारे लिए? आज दाल बनेगा, फिर एक चिकन का आइटम। अच्छा, दो तीन वैरायटी का चटनी होगा जो लोकल स्टाइल में। अच्छा, क्या क्या चटनी बनता है आपका? ये कटेज चीज है, लोकल कटेज चीज, छुरपी। यस। अच्छा, एंड गुंजुक जो फर्मेंटेड स्पिनिश है उसका चटनी बनेगा। हाँ। और चिकन और दाल और राइस। यस, एंड एक आलू का सब्जी होगा। आलू का सब्जी, वाओ, मतलब पूरा ऑर्गेनिक एंड पूरा मतलब लोकल। लोकल, या लोकल। सो वी आर लकी कि हमको ये सिक्किमिज लोकल खाना मिल रहा है एट मूनलोम। तो हमारा रिसोर्ट से थोड़ा सा जस्ट 500 मीटर ऊपर चढ़ के हम आए हैं यहाँ पे। इस जगह पे एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। अगर आप चारों तरफ देखेंगे, आपके लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड में, चारों ओर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है। जैसे कि भैया से मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो मतलब बाहर का फूड, बाहर का बेवरेज कुछ भी अलाउ नहीं करते, दीज आर ऑल इलीगल। तो यहाँ पे सारे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है और इसी के थ्रू इनका गुजारा होता है। और सामने कंचनजंगा पे सनसेट का वो रिफ्लेक्शन, वाओ, ओह माय गॉड। अगर ये 500 मीटर्स ऊपर चढ़ के नहीं आती, हाँ, तो तब शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा रूम से ही दिख जाता, बट यहाँ से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, एकदम क्लियर। दिस इज़ ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, बट आँख से मैं जो देख रही हूँ, दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। ये रास्ता भी वैसे एडवेंचरस है, मतलब छोटा ट्रेल है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो ऑलरेडी मैंने होममेड वाइन जो जिंजर से बनाया था वो मैंने टेस्ट करके बता दिया। और ये है छांग, विच इज़ अ लोकल अल्कोहल, जिसको मिलेट से बनाया जाता है फर्मेंट करके।
तो भैया हमारे साथ है, भैया बताइए इसको कैसे बनाया जाता है। इसको एकदम साफ करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लाइक 30 मिनट्स तो वॉश करना पड़ता है। ये मिलेट भी यहीं पे उगता है क्या? कोई होता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता है, बाहर से भी आप लोग मंगवाते हैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद? उसके बाद उसको वॉश करके फिर बॉइल करना पड़ता है, लाइक आई थिंक आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम बट एटलीस्ट 40-45 मिनट्स तो बॉइल होता है। अच्छा। फिर उसको तब फ्लोर पे वो सब उठा के लगा के सुखाया जाता है। अच्छा। उसके बाद थोड़ा एक फर्मेंट करने का एक केमिकल होता है जो भी, वो भी ऑर्गेनिकली बनता है, सो उसको लगा के फिर एयर टाइट पैकेट में बंद करके उसको रखना पड़ता है 15-20 दिन। तो ऐसा है क्या कुछ, मतलब ज्यादा फर्मेंट अगर होगा तो उसका टेस्ट अच्छा होता है, ऐसा टाइप का कुछ होता है? तो ये लोग आप यहाँ पे, मतलब ये चीज आप यहाँ पे बनाते हैं या फिर आप बाहर, मतलब गांव से कहीं पे लेके आते हैं? ये हमारा नेबर है, उससे लाया। अच्छा, उससे मतलब वो लोग ये बनाते हैं, आप लोग वहाँ से खरीद के लेके आते हैं? एक्चुअली वो लोग कमर्शियली नहीं बनाते हैं बेचने के लिए, लेकिन मतलब लोकल जब गेस्ट आते हैं, लोकल जब गेस्ट आते हैं तो उनको सर्व करने के लिए वो लोग ये देते हैं ट्राई करके। ठीक है, तो फिर ये खाने का टेक्निक भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल अल्कोहल जैसे, सॉरी, ये पीने का टेक्निक भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल अल्कोहल जैसे हम नॉर्मल पानी से खाते हैं, इसको शायद गर्म पानी से हमें की बोल छी खाते हैं। अच्छा, इसको पीने का टेक्निक भी थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल अल्कोहल जैसे हम नॉर्मल पानी के साथ पीते हैं, लेकिन इसको गर्म पानी से पिया जाता है, और आपका ये पानी खत्म हो जाएगा इसके बाद फिर से गर्म पानी डालने से, तो फिर से आपका ये रेडी हो जाएगा। तो मैं ये थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। तो ये इन लोगों का थोड़ा एक टेक्निक है, मतलब जैसे मैंने पहले बताया, ये सब कुछ मतलब कांचनजंगा को आप लोग सब कुछ मतलब पहले भेंट करते हैं, उसके बाद सब लेते हैं ना। अच्छा, अपने ये कितना बड़ा, ये मतलब पानी पानी लग जाएगा, वो पानी लग जाएगा क्या? अच्छा, उसके साथ ही भारी है बहुत। अच्छा है, मतलब अल्कोहल जैसा टेस्ट नहीं कर रहा है, वैसा ही लग रहा है, मतलब कुछ मतलब फ्रूट जूस काइंड ऑफ, जिसको आप प्रिजर्व करके रखते हैं ना, वैसा ही टेस्ट कर रहा है। इसको बनाने में बहुत मुश्किल है ना, बहुत मेहनत पड़ता है इसको बनाने में। अच्छा, यहाँ पे मतलब लेप्चाज लोग जितना है सब इसी को पीते हैं क्या, रोज पीते हैं, ऐसा कुछ है क्या? रोज तो नहीं, मतलब ओकेशनली वो लोग पीते हैं ये। सो वी आर हियर विथ आवर डिनर, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द ऑर्गेनिक डिनर, और वो भी एकदम मतलब ये आग के सामने बैठ के, हमने आज डाइनिंग एरिया में बैठा ही नहीं, जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले वहाँ पे मैंने बैठा ही नहीं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, और भैया से बात करते करते बस यहीं पे बैठ गए और यहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। तो कितना मतलब कितना कुछ भैया ने अकेले बनाया, ये छुरपी जिसके लिए मैं 2 दिन से घूम रही थी, ये मुझे खाना था तो ये बना दिया, ये चिकन, ये भी यहाँ का लोकल चिकन करी है ना, चिकन करी, आलू के सब्जी, लोकल चावल, ये चावल भी यहीं पे ग्रोन होता है, और दाल तो है ही, और दिस इज फेमस गुंदरुक की चटनी। तो गुंदरुक का 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स मैंने खा लिया, एक तो गुंदरुक का सूप मैंने कल दिखाया था, आज गुंदरुक का चटनी, और नेपाली थकाली थाली में हमने खाया था ड्राइड गुंदरुक। तो 3 टाइप्स ऑफ खाना खा लिया। तो थोड़ा सा मैं टेस्ट करती हूँ पहले, आलू की सब्जी तो मतलब बहुत टेम्पटिंग ले रहा है, जीरा आलू है ना भैया, इतना सर्दी में यहाँ बैठ के इतना टेम्पटिंग खाना, माय गॉड। दिस इज अमेजिंग, बहुत सादा है ये खाना, मतलब कोई भी मसाला नहीं डाला है, एकदम जस्ट बॉयल करके उसको बनाया गया है, इसीलिए इसका टेस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है। नाउ लेट्स कम टू द छुरपी, ये लोकल कॉटेज चीज़ है, एक टाइप ऑफ छुरपी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया जो
मुँह में लेके मैं खा रही थी जो दैट वॉज द हार्ड वर्शन एंड दिस इज़ द सॉफ्ट वर्शन. इसको शायद प्याज से बनाया है, इसको रेडिश से बनाया है, मूली से. दिस इज़ अगेन वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. मतलब ये दो दिन से मैं ढूंढ रही थी, फाइनली मिल गया यहाँ के. नाउ द चिकन. चिकन तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है. वाओ, वेरी नाइस भैया, बहुत अच्छा खाना बनाया. और थोड़ा सा मैं ये गुंदरुक का चटनी भी ट्राई करूंगी. इसका टेस्ट थोड़ा सा वैसे ही खट्टा होता है ना गुंदरुक का, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है. और इसमें प्याज, टमाटर और आई थिंक मस्टर्ड ऑयल डाला गया है. दिस इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब पूरा ये जो प्लेटर है, दिस इज़ रियली नाइस. ये फीस्ट अमेजिंग.